मियांवाली के पहाड़ी इलाके बलाखेल में पुलिस मुकाबला, 10 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक बलाखेल के इलाके में 10 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिसके बाद DPO मियांवाली अख्तर फारूक की क्यादत में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए। 26वीं आईनी तरमीम जैसा इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। बिलावल भुट्टो सरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। मेज़बान ने सवाल किया, अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते तो क्या ये तरमीम नहीं होती? बिलावल ने कहा, मखसूस नशस्तों का फैसला पार्लियामेंट को कमज़ोर करने के लिए किया था। 63A का फैसला भी आइन के मुताबिक नहीं था। एक सवाल पर बिलावल ने कहा, यह तय नहीं था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, खुद उन्हें भी इस मुतालिक मालूम नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन के इनपुट के बगैर भी उनके नंबर्स पूरे थे। मर्जी का आइन बना सकते थे, लेकिन उन्हें मिसाक़े जमहूरियत का वादा पूरा करना है, जिसके लिए वो जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहते थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा आज रिटायर हो जाएंगे। अदालती अमले के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुमेरात को मुकदमात की समाअत के आखिरी रोज 10 मुकदमात की समाअत की, जिनमें 4 मुकदमात के फैसले और 6 को मुलतवी किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज आखिरी दिन चैम्बर वर्क करेंगे। उनके लिए फुल कोर्ट रेफरेंस भी आज होगा। चीफ जस्टिस के एजाज में रात गए सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से इशारा दिया गया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान के अलावा जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अकील अब्बासी ने शिरकत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल के अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस आलिया नीलम भी इशाइये में मौजूद थी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीवी को 9 माह बाद जमानत पर रिहाई मिल गई। अडियाला जेल से पहले बनीगाला पहुंची। बनीगाला में थोड़ी देर क्याम के बाद बुशरा बीबी पिशावर पहुंच गईं। बुशरा बीबी वजीर आला NXC में क्याम करेंगी। बुशरा बीबी मजमू तौर पर 9 माह जेल में रहीं। उन्हें रवा साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, बुशरा बीबी का दूर दूर तक तोशाखाना से वास्ता नहीं था। अगर डील करना होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना रहती। पानी PTI की रिहाई भी अदालत के जरिए होगी, किसी डील के नतीजे में नहीं, मेरिट पर होगी। बानी PTI के तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील की समाअत 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस में पहले ही बानी PTI को सजा मौतल करके उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे चुकी है। सजा के खिलाफ मरकजी अपील जेरे इल्तवा थी, जिसे अब 29 अक्टूबर को चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुनेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। बानी PTI को पता चल गया है कि उनके लोग उन्हें छोड़कर भाग चुके, बिक चुके। अब पुरानी PTI वुकला की PTI एक तरफ, बहनें एक तरफ होंगी और बेगम एक तरफ। डील और ढील की ऑफर माइनस इमरान सबके लिए है। बानी PTI पहले दलदल में थे, अब सियासी जहन्नम में हैं। सेनेटर फैसल वाडा की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, बुशरा बीबी लाहौर के बजाय पिशावर पहुंच गई। उनकी जमानत बुध को ही, मगर बनीगाला पर एक हफ्ते से रंगो रोगन हो रहा था, जो पिछले 12 साल से नहीं हुआ। बुशरा इसलिए पिशावर गईं कि बनीगाला में जासूसी आलात होंगे और उन्हें दुबई के दोस्तों से बातें करनी थी। गोगी फ्रेंडशिप माल की दोस्ती होती है, जो सब जगह नजर आती है। आईनी तरमीम से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रुका है, लेकिन इसमें हुकूमत का अमल दखल कम, PTI का ज्यादा है। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा, PTI ऐसा इंतशारी टोला है जिसकी हिमायत करेगा उसका भी नुकसान हो जाए। जस्टिस मंसूर बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन उनके बारे में PTI वाले कहते रहे कि हमारी बात हो गई है, अक्टूबर में जस्टिस मंसूर आ रहे हैं, वो आकर हुकूमत का बंदोबस्त कर देंगे। ऐसी बातें किसी की भी साख को नुकसान पहुँचा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की फुल कोर्ट से तौसीख होने तक किसी भी खसूसी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खत में लिखा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस फुल कोर्ट मीटिंग में ऑर्डिनेंस पर अमल करने का फैसला नहीं करते,
चीफ जस्टिस की सवाही में दो सीनियर तरीन जजेस की कमेटी बहाल नहीं की जाती। वो नई कमेटी की तरफ से बनाए गए खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, सिर्फ आम मुकदमात की समाअत के लिए बेंचेस में शरीक होंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुतालिक पॉलिसी दे दी। इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि ऑफिस को हिदायत की है कि जिन केसेस में कोई कानून चैलेंज हो उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। केस आईनी बेंच को भिजवाते हुए जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, जिन केसेस में आईन की तशरीह की जरूरत हुई उन्हें मुंतकिल करते रहेंगे। इस केस में जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा था कि इस केस में आईनी शिकों की तशरीह करना होगी, केस अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़श्ता रोज भी 4 मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कोई दरख्वास्त आई तो वो आईनी बेंच के पास ही जाएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ निवाद करते हुए उन्होंने कहा कि 73 के आईन में भी जजेस की तैनाती का इख्तियार सदर के पास था, बाद में एक फैसले के जरिए अदलिया ने इसमें अपना हिस्सा बढ़ाया और फिर 19वीं तरमीम में इसका हुलिया बिगाड़ा गया। पार्लियामेंट ने दबाव में आकर अपने इख्तियार पर समझौता किया। वजीर कानून ने कहा कि आईन के आर्टिकल 239 में आईन बनाने वालों ने पार्लियामेंट को इख्तियार दिया है कि वो जो चाहे कानून बना सकते हैं और पार्लियामेंट की तरफ से की गई किसी भी तरमीम को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का आदा। पोलियो से आगाही के दिन पर पोलियो वर्कर से खिताब में कहा, पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क बनाना हमारा पुख्ता आज़म है। बदकिस्मती से 4 सूबों में पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो के खात्मे का चैलेंज कबूल किया। पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पोलियो वर्कर्स ने इंतहाई मुश्किल हालात में फ़राइज़ अंजाम दिए। कुछ पोलियो वर्कर्स फ़राइज़ की अदायगी में जान से चले गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मैगजीन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। कहा, जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की सलामती इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरअज़म रहनुमा के तौर पर याद रखा जाएगा। अपने मजमून में अमरीकी जरीदे यूनिपैथ ने लिखा, जनरल आसिम मुनीर की क्यादत में फितना खवारिश के खिलाफ ऑपरेशन में 398 दहशतगर्दों का खात्मा किया गया। आर्मी चीफ ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जैसे इकदाम के जरिए माशी तरक्की में अपना किरदार अदा किया। आर्मी चीफ का मकसद अंदरूनी चैलेंजेस से निमटना, मुसल्ला अफवाज और कौम में पेशावराना महारत, रबते बाहमी और इत्तेहाद को फरोग देना है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम में संगीन खामी की निशानदही। जुडिशल कमीशन या आईनी बेंच की तश्कील नहीं हो सकेगी, साबिक अटर्नी जनरल का दावा। 27वीं तरमीम के जरिए खामी दूर करना जरूरी करार दे दिया। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक माजी करीब में ओहदा छोड़ने वाले एक अटर्नी जनरल ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि आईनी बेंचेस में नामजदगी और तायुन जुडिशल कमीशन को करना है। जिन सीनियर तरीन जज या जजेस का तकरर होना अभी बाकी है वो जुडिशल कमीशन के रुकन भी होंगे। ये एक संगीन खामी है, इसे दूर किए जाने तक पुराने बेंच चलते रहेंगे और कोई आईनी बेंच नहीं होगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम वाजे है कि आईनी बेंच बनाने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास किसी रुकन की अदम मौजूदगी या आसामी खाली होने से नहीं रुकेगा। वजारत कानून और इंसाफ की वजाहत, कहा गया है कि आर्टिकल 175A(2) के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 13 मेंबरान पर मुश्तमिल है। जुडिशल कमीशन अपने पहले इजलास में आर्टिकल 191A के तहत आईनी बेंचेस तश्कील देगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंचेस का सबसे सीनियर जज होगा। आर्टिकल 175A(2) और आर्टिकल 175A(3D) के तहत कमीशन का कोई फैसला किसी रुकन की अदम हाजिरी या खाली असामी पर बातिल नहीं होगा। जुडिशल कमीशन आर्टिकल 202(A) के तहत हाई कोर्ट्स के आईनी बेंचेस का क्याम करेगा। हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस का क्याम उस सूरत होगा जब सूबाई असम्बलियाँ अक्सरियत से करारदाद मंजूर करेंगी। हाई कोर्ट्स के पास आईनी बेंचेस बनने से पहले मुकदमात की समाअत का इख्तियार आईनी तरमीम से पहले के आईन के मुताबिक है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर पीटीआई के वकील शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और एडवोकेट फैसल चौधरी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शुएब शाहीन और फैसल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर कोई रद्द अमल नहीं दिया, 26वीं तरमीम पर अफसोस का इजहार किया। बानी पीटीआई ने पूछा, मौलाना फजलुर्रहमान की पार्टी ने आईनी तरमीम में वोट दिया या नहीं? बानी पीटीआई को बताया, जेयूआईएफए ने तरमीम के हक में वोट दिया है। इससे पहले अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई की वकला से वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ उठाया था कि तौहीन अदालत केस में अदालत ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकती, जिसके बाद अदालत ने बानी पीटीआई के वकला से मुलाकात कराने के लिए अदालत पेश करने का हुक्म दिया, जिस पर जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात कराई। अमरीकी अवान नुमाइंदगान के 60 से ज्यादा अरकान का सदर जो बाइडन को खत, बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। खत में लिखा कि साबिक वजीर आजम समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए, पीटीआई के कारकुनान की हिरासत खत्म की जाए, पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हकूक को मरकज बनाया जाए, पाकिस्तानी हुकूमत से बानी पीटीआई की हिफाजत और खैरियत की जमानत ली जाए। अमरीकी सिफारतखाने के अहलकारों से जेल में बानी पीटीआई से मिलने की अपील भी की गई है। पाकिस्तान ने बानी पीटीआई के बारे में अमरीकी अरकान कांग्रेस के खत को सिफारती आदाब के मनाफी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान के दाखिली उमूर पर तबसरे सिफारती आदाब और रियासती ताल्लुकात के मनाफी हैं। ये खतूत पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की गलत आशनाई है। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को अहमियत की नज़र से देखता है। पाकिस्तान की पहली चाल कामयाब, स्पिनर्स ने अपना काम कर दिया। पिंडी टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड की टीम 267 रन बनाकर आउट हो गई। साजिद खान ने 6 बैटर्स को पवेलियन पहुंचाया। अमान अली के 3 और जाहिद महमूद का 1 शिकार। स्मिथ के 89 और बेन डकिट के 52 रन। पूरी इनिंग्स में फास्ट बॉलर से एक भी ओवर नहीं करवाया गया। जवाब में पाकिस्तान की 3 विकेटें 73 रन पर गिर गईं। अब्दुल्ला शफीक 14, साइम अयूब 19 और कामरान गुलाम 3 रन बनाकर आउट। शान और सऊद 16-16 रन बनाकर नॉट आउट। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स का स्कोर बराबर करने के लिए पाकिस्तान को मजीद 194 रन दरकार। टेस्ट मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है, बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रोशनी में तमाम सियासी असीरों को रिहा कर देना चाहिए। सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मगर जिन सियासतदानों पर संगीन जराइम के मुकदमात हैं उनका मामला कुछ और है। नून लीग के तलाल चौधरी का मौकफ बिल्कुल अलग। कहा, वजीर आला हाउस केपी मुजरिमों की पनाहगाह है, इसमें एक और मुलजिमा का इजाफा हो गया। खुद वजीर आला का प्रोटोकॉल लेकर पेशावर में पनाह लिए और दूसरों के बच्चों को कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करो। पहले भी बानी पीटीआई अपने और अपनी घर वाली के करतूतों की सजा भुगत रहे हैं। अगर बुशरा बीबी तोशाखाना हजम ना करती तो छुपना ना पड़ता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदलिया से रुजू करने का ऐलान कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदी रिहा हो सकें। पीटीआई रहनुमाओं से शिकवा करते हुए बोले कि शुरू में ही कहा था कि किसी के जाल में ना आए, लेकिन वो मौलाना फजलुर्रहमान से मिलकर इत्तफाक करते रहे। अगर इन्होंने मुखालफत करनी थी तो इत्तफाक क्यों कर रहे थे? बोले, आईनी तरमीम के लिए जो लोग खरीदो फरोख्त में मुलविस रहे, तारीख में उनका जिक्र अच्छे अल्फाज में नहीं किया जाएगा। भारी टैक्सेस से तनख्वाहदारों की बस हो गई। सनती शोभा भी टैक्स की इंतहाई हदूद को छू गया। अब अगर टैक्स आमदन बढ़ाना है तो ज़राअत पर टैक्स लगाना ही होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने एक बार फिर आगाह कर दिया। फ्रांसीसी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा, रियल स्टेट और रिटेल सेक्टर से भी टैक्स बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि इस साल 52 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स गोशवारे जमा हुए, टैक्स बेस में 29% इजाफा हुआ। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के लिए एफबीआर ने प्रॉपर्टी के सरकारी रेट्स को मार्केट रेट्स के 75% से बढ़ाकर 90% करने का फैसला कर लिया।
ज़राए के मुताबिक FBR ने मुल्क के 54 शहरों में प्रॉपर्टी की कीमत असर नौ तायुन करने का अमल मुकम्मल कर लिया। वजारत कानून से तौसीक के बाद नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। कराची में डकैती मजाहमत पर एक और शहरी जान से गया। एहसनाबाद का मकीन फरहान बीमार बेटी के इलाज के लिए बीवी की अंगूठी बेचकर घर आ रहा था कि डाकुओं ने रोक लिया। 60 से 70 हजार रुपए छीन लिए, मजाहमत पर फायरिंग कर दी। फरहान को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जिंदगी हार गया। घर वालों ने बताया कि पुलिस ने पहले कोई राबता नहीं किया, अस्पताल में कहा मुकदमा दर्ज कराने थाने आ जाना। मंगल के वाके का मुकदमा आज दर्ज हो गया। तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के सुपुर्द। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में डकैतों ने इस साल 104 अफराद की जिंदगियां बुझा दी। लाहौर के मेयो अस्पताल का शोबा अमराज कल्ब फंड जारी ना होने के बायस मसाइल से दो चार, बंद होने के करीब पहुंच गया। 80% मरीज इलाज से महरूम। स्टोर से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का सामान गायब, अद्वियात भी कमयाब। पिछले दो हफ्ते तक एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए आने वाले मरीजों को दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जाता रहा। मरीजों के मजबूर लवाहिकीन बाजार से सामान लाते रहे। AMS डॉक्टर नदीम इलाही का कहना है कि फंड्स की कमी के बायस सिर्फ दो हफ्तों तक मरीज मुतासिर हुए, अब हालात बेहतर हो गए हैं। पंजाब के शहर शेखुपुरा में भी सेफ सिटी प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने दौरा शेखुपुरा पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। अगले दो हफ्तों में पंजाब के 5 मजीद शहर, जबकि मार्च 2025 तक सूबे के 18 बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने दौरे में शेखुपुरा सेफ सिटी कंट्रोल रूम का दौरा किया, सेफ सिटी वॉल और जदीद मवासलाती आलात का मुआयना किया। इससे कबल वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में गारमेंट सिटी का दौरा, पंजाब की हर तहसील में गारमेंट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने अरकान असेंबली को अपने हलकों में इंसदाद पोलियो मुहिम में साथ देने की हिदायत कर दी। पोलियो के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगी। वालदैन अपने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहो ने कहा हाई रिस्क वाले अज़ला पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी गई है, बच्चों को विटामिन ए के सप्लीमेंट्स भी पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ज़िला पिशीन में ज़रई ट्यूब वेल्स को शमसी तवनाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा बलूचिस्तान के लोगों का देरीना मुतालबा पूरा हुआ, इससे किसान को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है सूबाई हुकूमत और सियासी जमातों की कोशिशों से जिरगा पुरअमन अंदाज में ख़त्म हुआ। जो मुतालबात वफाकी हुकूमत से मुतालिक हैं उन पर पेशरफ्त के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाए। जो मुतालबात सूबाई हुकूमत से मुतालिक हैं उन्हें सूबाई असम्बली में पेश करके इत्तफाक़ राय पैदा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कसीरुल कौमी मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा। आर्मी चीफ का पाक फजाइय की जंगी तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। फजाई सरहदों की हिफाजत के लिए PFL कारों के अज़्म को सराहा। कहा इंटर सर्विसेज ताउन ऑपरेशनल कामयाबी के हुसूल के लिए ज़रूरी है। एयरबेस आमद पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। मश्क इंडस शील्ड में 24 फजाई अफवाज शिरकत कर रही हैं। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी से आज़रबाईजान के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोतरफा ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताबुन बढ़ाने के लिए मज़ीद इकदामात की ज़रूरत पर जोर। आज़रबाईजान के वज़ीर ने चंद रोज़ कबल मुनशियात जब्त करने के पाक बहरिया के ऑपरेशन को सराहा। वज़ीर आज़रबाईजान का इस्तांबुल इंटरनेशनल एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा। पाकिस्तान के जदीद आलात की तारीफ की। वज़ीर दाखला ने कहा पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है। गजा में इसराइली फौज की सुबह से जारी बम्बारी में 34 फलस्तीनी शहीद। तसीरात कैंप में स्कूल पर इसराइली फौज की बम्बारी से 5 बच्चे 2 खवातीन समेत 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने मगाजी कैंप पर भी बम्बारी करके 1 फलस्तीनी को शहीद कर दिया, 16 जख्मी हुए। गजा में शोहदा की मजमू तादाद 42,847 हो गई, 1,05,000 जख्मी हैं। इसराइली फौज की लबनान में बम्बारी से 24 घंटों में 28 शहरी शहीद, 139 जख्मी हैं।
हिजबुल्ला और इसराइली फौज में लबनानी सरहदी इलाके उदैसा में झड़प, चार इसराइली फौजी हलाक, छह जख्मी। गजा और लबनान में जंगबंदी की कोशिशें, कतरी वजीर आजम, वजीर खारजा और अमरीकी वजीर खारजा की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कतरी वजीर खारजा ने कहा, गजा पट्टी से मुतालिक मुजवजा मंसूबों पर मिस्र से तबादला ख्याल किया जा रहा है, किसी भी कशीदा सूरत हाल में सहाफियों को निशाना बनाने का कोई जवाज नहीं। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, मौजूदा सूरत हाल गजा जंग के खात्मे और इसराइली यरगमालियों की वापसी के लिए साजगार है। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी पर बातचीत के लिए इसराइली मोसाद का सरबरा भी इतवार को कतर पहुंचेगा। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने तारकीन वतन पर क्रैक डाउन का नया मंसूबा बना लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यह नया मंसूबा ट्रंप के पहले दौरे सदारत के क्रैक डाउन के मुकाबले में कहीं शदीद होगा। अमरीकी मीडिया का कहना है कि ट्रंप दोबारा सदर बने तो वो अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा मुल्क बदरी ऑपरेशन शुरू करेंगे। ट्रंप इस ऑपरेशन के लिए फौज को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। अमरीकी मीडिया ने मजीद लिखा कि लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को तहवील में लेकर मुल्क बदर करने से पहले हिरासती मराकज में रखा जाएगा। इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट 3 में पाकिस्तान शिरकत के लिए भारतीय मिक्स मार्शल आर्ट्स का 11 रुकनी दस्ता वागा के रास्ते लाहौर पहुंच गया। पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अहदेदारान ने इस्तकबाल किया। इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट 3 में पाक भारत मुकाबले 27 अक्टूबर को होंगे। जुमे और हफ्ते को पाक भारत फाइटर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजन और फेस ऑफ होंगे। मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर दिखाएगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में फ्लेवर्स ऑफ द यूएई के उनवान से सकाफती शो और थिएटर प्ले इन स्पिरिट पेश किया गया। आज कौंसल जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन और फलस्तीनी थिएटर एंड हेयर आई एम पेश किया जाएगा। 26 अक्टूबर रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले कोकून और रात को 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले टंग्स पेश किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के मकीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर आलियान और लैला की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। बहुत कम वक्त में ऐप पर उनका मैच बना, एक दूसरे को जाना और यूं शादी भी हो गई। और कराची फैशन वीक में जदीद नित नए मलबूसात, रैंप जगमगा उठा। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से होने वाले फैशन वीक में 400 से ज्यादा गैर मुल्की मंदूबीन भी शरीक हुए।